नहीं, ये हॉट कॉफी है। कोल्ड कॉफी लेकिन कोल्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है संडे और आज अब भी बज रहे हैं सुबह के 12:30 बजे और कोई भी घर पे नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे मिलकर सब बाहर गए हैं घर का किराना सामान लाने। फाइनली ये कपड़ा बंधी है सही तरीके से। मैंने तो सोचा था कि निकाल देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बंधेंगे, तो ये सही तरीके से बंधी है। और आज इतनी अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा। और मेरे कपड़े भी सूख गए आज। मैं 8 दिन से ना वॉकिंग गई ना कहीं बाहर गई क्योंकि बारिशों के वजह से मैं कंटिन्यूसली घर पे ही हूँ। वॉकिंग नहीं जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। मैं घर पे वॉक कर रही हूँ लेकिन वॉकिंग ग्राउंड नहीं गई। अगर कंटिन्यूसली ही धूप रही तो इंशाल्लाह आज शाम में जाऊँगी मैं वॉकिंग को। और मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल चालू हो गए तो शाम के टाइम पे बारिशें भी हो रहे, तो शाम में तो हो नहीं रहा, इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह हम मंडे से, यानी कि कल से, कि रोज़ सुबह जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे आने के बाद हम वॉक जाएंगे सुबह सुबह इंशाल्लाह। देखते हैं, देखो आयजा कहाँ खेल रही है। आयजा, आयजा यहाँ मैंने सबके लिए नाश्ते में खीमा सोया बनाया है, सोए की भाजी, और महाराष्ट्र लातूर में यहाँ शेपू की भाजी भी बोलते और हमारे हैदराबाद में सोए की भाजी बोलते। मेरे हस्बैंड और बच्चे आने तक मैं यहाँ खिड़की में बैठ के अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बात कर लेंगे। जस्ट मैंने अपना अभी वेट भी चेक किया, वेट चेक करके यहाँ आके मैं खिड़की में बैठ गई अपनी ग्रीन टी पीने। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी कि वो मुझे गुस्सा कर रही थी कि मैं बहुत बिज़ी हो गई, मैं कॉल नहीं कर रही आजकल, बात नहीं कर रही। तो मैंने उसको कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ इस, क्योंकि मैं यूट्यूब स्टार्ट करी, मेरा टाइम उसी में चले जा रहा, व्लॉग शूट करना, व्लॉग एडिट करना, व्लॉग डालना, फिर घर का सारा, फिर नमाज, फिर अपना वेट लॉस का भी मुझे देखना है, मेरे लिए अपने लिए अलग खाना बनाना है, मुझे सबके लिए अलग बनाना है, फिर वॉकिंग करना है। इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। जो टाइम मिल रहा मैं फिर वो अपने पसंद का काम, कुछ देखना रहा, कुछ पढ़ना रहा, वो कर ले रही हूँ। तो मैं एकदम बहुत बिजी शेड्यूल हो गया मेरा ये कुछ 1 या 1.5 महीने से, बहुत एकदम टाइट शेड्यूल के मुझे बिल्कुल भी खाली टाइम नहीं मिल रहा। वो मुझे गुस्सा कर रही थी क्या यूट्यूब स्टार्ट करे, जब से तो गायब ही हो गई, बात नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसको कहा नहीं, मैं पूरा 1 साल, मेरा पूरा फोकस है, 1 साल मैं पूरी मेहनत करूँगी यूट्यूब पे इंशाल्लाह। 1 साल तो मैं, कुछ भी हो, कितना भी मुझे डीमोटिवेट फील हो, क्या भी हो, लेकिन मैं 1 साल अपना पूरा 100% देने का ट्राई करूँगी। ये मैं अपने आप से सोच के रखी, कुछ भी हो जाओ लेकिन मैं 1 साल से पहले गिव अप नहीं करूँगी। कौन सी भी चीज़ देखो, करते कि स्टार्ट करते कि कामयाबी मिल जाना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी किस्मत की बात है अगर अपने को कामयाबी मिल गई, लेकिन अपने हक में है कि अपन पूरी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, फिर आगे का छोड़ दो ऊपर वाले पे। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अपन मेहनत नहीं करे, अपन अपने तरफ से ट्राई नहीं करे, तो मुझे वो रिग्रेट नहीं करना है अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं हर चीज़ को अपने तरफ से 100% देती हूँ। अगर उसके बाद भी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करते तो मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे वो चीज़ों का रिग्रेट नहीं रहता। फिर आगे वालों को क्या क्यों नहीं लगता, कि लोगों को क्या भी समझने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो चाहे कुछ भी रहो, काम रहो, रिश्ते रहो, जो भी चीज़ रहो, मैं अपने तरफ से 100% देती। उसके बाद भी अगर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रहे
या कामा नहीं बन रहे तो मैं छोड़ देती, क्योंकि मैं अपने हिस्से का तो पूरा काम कर देती, मतलब जो मेरा मैं जो कर सकती, जो मेरे हक में है, या कोई अगर मेरा जैसे मेरा क्रीम्स का जो बिजनेस है उस टाइम भी मैंने सोचा था, बहुत सारे जने बहुत कुछ बोले थे लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं मैं करती, मेरे को करना है तो मैं करी। और मेरे वेट लॉस के टाइम पे भी शुरू सब जने यही बोलते थे, हाँ पहले जब मैं वेट लॉस जर्नी शुरू करती थी जब डाइट करती थी जब जिम करती थी सब जने यही बोलते थे, अरे एक दो महीने टाइम लगता, कौन सी भी चीज़ करते कि रिजल्ट्स नहीं दिखते, अपने को सब्र करना पड़ता, जैसे मैं ही सब्र करी थी। मैं वैसे आपको बताऊँ मैं बहुत मेरे अंदर सब्र है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ों में सब्र करती। जब मैं दो ढाई साल पहले जब मैंने वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट करी थी तो दो महीने में कोई भी बोले जा रहे नहीं होता तुम्हारे से, अब तुम्हारा वेट नहीं कम होता, क्योंकि मेरे जब भाई की शादी हुई थी, मेरे छोटे भाई की शादी, उस टाइम पे मेरा हाईएस्ट वेट था। फिर उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं कम करूँगी, मतलब कम करूँगी। जब मैं वेट लॉस शुरू करी तो मुझे शुरू प्रॉब्लम हुई, एक महीना डेढ़ महीना बहुत कम वेट, लेकिन जब मेरा रिजल्ट्स देखना, थर्ड महीने से मेरे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए थे कि हाँ मैं कर, तो मैंने 28-30 केजीज वेट लूज करी थी। बहुत अच्छा था मेरे वेट लॉस सफ़र, मैंने बहुत अच्छा वेट कम करी, मैं बहुत खुश भी थी। लेकिन उतने में जैसे मालूम है आप लोगों को कि हमारे अम्मी का वैसा होने के बाद मैं बहुत एंजाइटी डिप्रेशन बहुत सारे उसमें चले जाने के बाद मैं अपने आप को ध्यान नहीं दे सकी, तो मेरा वेट फिर से बढ़ गया। लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी भी करूँगी, इस बार भी इंशाल्लाह मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी कि वेट नहीं कम हो रहा, मेरा रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं इस बार भी इंशाल्लाह पूरा अपने तरफ से मैं 100% दूंगी। और रही बात यूट्यूब की, मैं यूट्यूब को भी अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कितनी भी बिजी रहूँ, मैं कितना भी क्या भी रहूँ, लेकिन मैं डेली व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करती, रेसिपीज शूट करने की पूरी कोशिश करती। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता खाना भी बनाना, रेसिपी भी शूट करना, लेकिन मैं करती क्योंकि मुझे अपनी तरफ से 100% देना है। बच्चों ने जाकर पूरा किराना सामान लेकर आ गए। हाँ, बच्चों ने मेरे लिए लाया कोकोनट वाटर मार्केट से। गाइस ये अब फोन के कवर्स, स्क्रीन कार्ड भी बिठाया ना, स्क्रीन गार्ड भी बिठाए, ये चेंज करा दिए लेंसेस। इतने सादे क्यों लिए कवर्स? अच्छे दिख रहे थे, सादे अच्छे दिख रहे हैं फोन के ऊपर। ओके, फिर मेरे फोन को नहीं लाए आपना, आइजा के फोन को नहीं, आप नहीं दिए आइजा के फोन को भी नहीं लाए, आइजा का फोन दिखा नहीं कहाँ था, यहाँ तो सामने था। बनाना है मेरे को मच्छी, मच्छी बनाना बहुत आसान है लेकिन इसको धोना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने देखो कितनी अच्छी तरीके से धोई है इसको, धोते धोते तो मैं थक गई। आज इंशाल्लाह डिनर में मच्छी बनाएंगे हम, ब्रेकफास्ट में तो भाजी चपाती। यहाँ पे मच्छी का सालन रेडी हो गया। हमारे हैदराबाद में तो हमारे अम्मी तो नहीं बनाते थे मच्छी का सालन, हम लोग हमेशा मच्छी तल के खाते थे, फिश फ्राई हमेशा दाल खाना और मच्छी तलते थे। पर यहाँ लातूर में हमारे घर में मेरे हस्बैंड को तली हुई मच्छी नहीं पसंद, जमील को सिर्फ, मेरे हस्बैंड को सालन पसंद, तो इसलिए हमेशा मैं सालन ही बनाती हूँ। अब मेरे अकेले के वास्ते तली हुई मच्छी कहाँ बनाऊँ बोलकर मैं नहीं बनाती हमेशा, अब जो सब खाते मैं भी वही खा लेती। ये महाराष्ट्रन स्टाइल का मैंने मच्छी का सालन बनाया है सबके लिए। हैदराबाद से एक पार्सल आया है मेरा जो मेरे भाई ने भेजा है, उसको खोल ले लूं मैं, क्या है देखने। इसमें बहुत प्यारे कप्स है, कप
कप है, ये यूजन को दस्तरखाना है, और थोड़ा बहुत सामान है जो हम हैदराबाद में आते वक्त भूल गए थे, माहिरा की टोपी, कुछ नहीं है इसमें। ये सारा सामान मैं जो लातूर आते वक्त हैदराबाद में भूल गई थी, वो सामान उन्होंने कुरियर कर दिया मेरे भाई ने। बज रहे हैं करेक्ट 7 और मैं आज वॉकिंग जाने वाली थी, अभी देखो बारिश शुरू हो गई। कोको यहाँ ये कीड़े को पकड़ने की तैयारी कोको की। यहाँ रात के 12 बजे जियाब और फैज मिलकर बनाए कोल्ड कॉफी। डेकोरेट भी बहुत खूबसूरत, कोल्ड नहीं ये हॉट कोल्ड कॉफी, लेकिन कोल्ड नहीं है क्योंकि बर्फ नहीं था उनकी, कोल्ड नहीं है। ओके टेस्ट करें आप ना, नहीं अभी करेंगे रुको कर, तुम लोगों के रिएक्शन से पता चल जाती कैसी है। अभी बार ऐसी